हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज हम आए इंगलाज की यात्रा करने। इतनी धूप है कि हम आपको बता नहीं सकते। अभी हम जो है ना 84 पे आए हुए हैं। अनिल कुंड का रास्ता तो हमने 3 घंटों प्यार पैदल चलते रहे, इतने थक गए हैं कि बोला भी नहीं जा रहा। अभी हम जा रहे हैं शिबरी, जहाँ भगवान राम ने भीलन के बेर खाए थे। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रास्ता है। ये देख लें, और मेरे साथ मेरा पार्टनर भवेश कुमार। भवेश, कैसा लग रहा है? बहुत ही लंबा रास्ता है ये, और बहुत ही डिफिकल्ट है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये आप देख सकते हैं, ये माता सफ़र करके आए हैं। ये पूरा कितनी खूबसूरती से बना हुआ है पहाड़। ये यात्री आ रहे हैं, और ये देखें, ये सारा ऊपर चढ़ना है, और ये यात्री नारे लगाते जा रहे हैं, जयकारा माता शेरा वाली दा सच्चे दरबार की। इधर ऋषि रहे आए हो माता जी दरबार में। बिन मौसम बारिश, बिन मौसम बारिश। कितना कठिन रास्ता है। जिते भगवान रामचंद्र लेख खदा उन्हें आस्थान दे सकोता हूँ। जिते भीलनी भगवान राम के झूठा बेर पिना खाराया हुआ वो आस्थान शिबरी, जो हिंगलाज जे 84 ते आए। अचो तक उन दर्शन कराया। तो फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। ये आप अभी देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत नज़ारा, गो नेशनल पार्क बलूचिस्तान। ये सर पार्टनर जो सर साथ दे करे मथे हलो कुछ बताइंदो। सफर दुख्यो सफर वाकई ढो टफ सफर आ, पर जे नज़ारा है ना सो उन सफर के जो है मतलब के खबर ही को सफर कटो को नज़ारा ऐसी ऐसी इतना ही खूबसूरत नज़ारा।